अपने आप में तो जज साहब को नहीं चाह कर भी अपने आप करना पड़ा। साहब देखिए इस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, इसके द्वारा गलती तो हो गई है लेकिन जान कर गलती नहीं किया है, अतः इसको अपने आप में मुक्त किया जाए, बेल दिया जाए। जैसा ठीक है, चलिए आप कहते हैं तो मैं देते हैं, भगवान बेल देते हैं। लक्ष्मी जी अगर पुरस्कार न करे, क्योंकि माता हो जो होती है, शंकराचार्य ने कहा कुपुत्र जायते, पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, लेकिन माता अपने जब तक उनकी मर्यादा गरिमा होती है तब तक कुमाता नहीं होना चाहती है। भले दूसरे के लिए वो अपना बहुत मर्यादित न हो, लेकिन अपने पुत्र के लिए वह कुपुत्र होना अपने को नहीं मानती है। महालक्ष्मी जी भगवान से प्रार्थना है, प्रभु पहले जैसा सृष्टि करिए, भगवान की बिल्कुल नहीं हो सकती है। लक्ष्मी ने क्यों नहीं हो सकती है भगवान के, इसलिए कि संसार में दुनिया के लोग हम बनाते हैं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथातु गवाए तो मैं क्या करूं, दूध दही में वा मिष्ठान पैदा किया, आप फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं इसमें मेरा क्या दोष है, मैंने सुंदर आपको बुद्धि दिया, विवेक दिया, शास्त्र दिया, इसके बाद भी आप गलत मार्ग में भटक रहे हैं, इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा क्या दोष है। महालक्ष्मी जी भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना, प्रभु ठीक है गलती हो गई, गलती हो गई, लेकिन आप सम परमात्मा हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसी बातों को श्रीमद वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद वाल्मीकि रामायण में जिस समय हमारे भगवान श्री राम लंकेश रावण को वध कर चुके थे, हनुमान जी महाराज जाकर के भगवान श्री राम को प्रणाम किए कि प्रभु दुराधर्ष ने लंकेश रावण शांति ले लिया। माता अच्छा ठीक है माता जी, हाँ निकल धीरे से निकल जाए, धीरे से निकल जाए। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, काकुसुंड रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें लंकेश रावण का वध हो चुका था। हनुमान जी जाकर भगवान श्री राम से प्रार्थना के प्रभु लंकेश रावण इस लीला अभिभूति को छोड़ चुका है, मैं इस समाचार आपको देखिए एक मर्यादा होती है, मर्यादा क्या होती है, लंकेश रावण का वध तो हो चुका था लेकिन हनुमान जी द्वारा सुनने के बाद उसको पुष्टि माना गया, पुष्टि माना गया भगवान श्री राम को, ठीक हनुमान मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। हनुमान जी पर वरदान कैसा, सब कुछ आप दिए हुए हैं, वो कैसा वरदान आप हमको देंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ये तो पहले से मिला हुआ है हमको, अब कैसा वरदान। भगवान ने तुमने शुभ समाचार सुनाया है, मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ठीक है प्रभु जी वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए, मैं प्रथम बार जब लंकापुरी में गया था अशोक वाटिका में, मैंने जगत जननी जगदम्बा सीता माता को उस दुराधर्ष रावण के द्वारा अपमानजनक, उनके लोगों द्वारा अपमानजनक शब्दों द्वारा उनको अपमानित किया गया था। रावण कैसे थे, रावणम भज भरतारम, रावण ने कहा कि रावणम भज भरतारम, हमको भरतार जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है, जो भरण पोषण करे उसी को उसी से भरतार शब्द बनता है अपने आप में, इसको माने अपने भरतारम पति जैसा सम्मानो। उसमें सीता जी ने अपने आप में एक तृण का सहारा लेकर के, तृण माने कोई भी पापी आदमी, दुराचारी व्यक्ति, व्यभिचारी आदमी, कुकर्मी आदमी हो उसे नहीं डायरेक्ट बात कीजिए, एक सहारा लीजिए, एक वस्त्र का एक तृण का सहारा लेकर भाया की सुख बना करके बात कीजिए। यही विचार करते हुए कोई मर्यादित नारी जो होती है, किसी अपने आप में कहीं दूसरा पुरुष से कोई वार्तालाप करना हो या थोड़ी सी सिर झुका करके अपने वस्त्रों को थोड़ा सा नीचे की तरफ करके और अपने आप नेत्रों को नीचे की तरफ करके अपनी बात को कहे अपने आप, क्योंकि एक किसी न किसी का माध्यम होना चाहिए, ये मर्यादित नारियों का मर्यादा होता है। सीता माता से अपने आप में कहीं तुम्हें देखा, उसमें सीता माता को रावण द्वारा अपमान किया गया था और एक माह का समय भी दिया गया था कि हमें तुम्हें वरण करना ही पड़ेगा, उनके सेविकाओं द्वारा सेवक द्वारा भी सीता जी को बहुत कष्ट दिया गया था, वो घटना हमको याद आ रही है। तो रावण का वध तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी राक्षसियां हैं, जो भी राक्षस कुछ बचे हैं, उनका भी चित्रवध होना चाहिए। चित्रवध, चित्रवध क्या कहा जाता है, तड़पा तड़प किसी अपराधी को तड़पा तड़पा करके दंड दे करके प्राण दंड होना, यही चित्रवध है।
यानी उन राक्षसियों के शरीर में नमक और दही लगा करके बानर भालू से चतवा चतवा करके उनका प्राण होना चाहिए। यही वरदान प्रभु हमें दे दीजिए, मैं जाकर के यही काम करूं। भगवान को मेरा तो वचन हो गया, जाओ तुम राक्षस राक्षस चित्रवध करो, लेकिन जिसके साथ व्यवहार हुआ है उन सीता जी से भी जाकर थोड़ा सा तुम यही बात सबकृति रही। हनुमान जी के मन में था कि भगवान जो कह चुके हैं तो सीता जी तो कहीं देंगे। गए हनुमान जी, सीता जी को प्रणाम किए सुवाटिका में। सीता माता ने कहा, हनुमान कैसे आने प्रभु? माता जी वह दुराधर श्रम के श्रावण का वध हो गया और प्रभु श्री राम द्वार के पास समय आया हूँ, समाचार दे करके सूचना सुना करके आया हूँ। सीता माता ने क्या सुना कर आए हो? भगवान ने हमें वरदान दिया है, हमें वरदान दिया है। सीता माता, मेरा भी वरदान जो तुमको मांगना है सो मांगना। हनुमान जी के मैं यही मांगना चाहता हूँ कि इन राक्षसियों का चित्रबद्ध होना चाहिए, इन राक्षसों का चित्रबद्ध होना चाहिए जो आपके साथ उस समय जिसमें प्रथम बार आया था अशोक वाटिका में, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया था। सीता माता ने कहा, हनुमान मैं तो समझती थी कि तुम मेरे स्वामी के साथ रहते हो, तुम्हारी बुद्धि कम से कम मेरे स्वामी की मर्यादा के अनुकूल होगा, लेकिन आज मैं समझ गई तुम जाति के बांदर हो, अतः तुम्हारी बुद्धि चपल और चंचल है। अरे अरे इन राक्षसों का चित्रवत मैं निवेदन करना चाहती कथा के माध्यम से, जो वकील साहब होते हैं, बैरिस्टर साहब होते हैं, बड़े से बड़े अपने आप में किसी प्रकार का दफा होता है, लेकिन ऐसी अपनी सफाई देते हैं कि जज साहब को मानना पड़ता है और मनवा देते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। हुआ क्या आपके? सीता माता ने हनुमान राक्षसियां चित्रवध के अधिकारी नहीं है, इनका चित्रवध नहीं होना चाहिए। सही माने में अगर चित्रवध होना चाहिए तो तुम्हारा चित्रवध होना चाहिए। अब तो हनुमान जी अवाक हो गए, हमारा चित्र हमें क्यों चित्र होना चाहिए? मैंने कौन सा अपराध किया है? सीता माता ने कहा, राक्षसियों ने कौन सा अपराध किया है? हनुमान जी ने आपको बहुत कष्ट दिया है, जब लंकेश रावण था उनकी आज्ञा से राक्षसी ने बहुत कष्ट दिया है। सीता माता ने कहा, हनुमान तुम्हारा चित्रवत इसलिए होना चाहिए कि मेरी जैसी ज्योति नायिका से तुम एकांत में आकर के बाल ब्रह्मचारी हमसे वार्तालाप की हो, तो शास्त्र का नीतिकारों का ऐसा कथन है जो एकांत में किसी नायिका के साथ वार्तालाप करता है, हास्य प्रयास करता है, वह अपने आप में वह चित्रवत और दंड का अधिकारी है, इसलिए तुम्हारा होना चाहिए क्योंकि मैं नायिका हूं अपने आप में और एकांत हमारे पास आकर तुमने वार्तालाप किया है। हनुमान जी तो काफी लगे, कोई गया हो जस साहब सेटिंग करके शुरू आज हमारे रिहा हो जाएगा, जस साहब उनका बांध दे अपने आप में, कैसी स्थिति हो जाएगी? अब हनुमान जी कांपने लगे, नहीं नहीं मेरा चित्रवध नहीं होना चाहिए, मेरा चित्रवध नहीं होना चाहिए, सीता माता ने क्यों नहीं होना चाहिए? हनुमान जी कहे कि अगर मैं अपने से आता, अपने शिक्षा से आकर आपसे वार्तालाप किया होता तब तो मैं चित्रवध होना चाहता था, लेकिन मैं अपने स्वामी श्री राम की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ, अतः मेरा चित्रवध नहीं होना चाहिए। सीता माता ने कहा, हनुमान अगर तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मेरे पास आए हो उसके अनुसार तुम्हारा चित्रवध नहीं होना चाहिए। इन राक्षसियां अपने स्वामी रावण की आज्ञा से अगर हमको कष्ट दिया, इनका चित्रवध क्यों होना चाहिए? अभी तक दुनिया के लोग राम को ही दयालु मानते थे, लेकिन राम की दयालुता जो है वो सीता माता के दयालुता के समान अपना पसंगा पसरी का हो गया। राम जी की दयालुता जो है वो अपने आप में एक पसंगा के समान हो गया, तो सीता जी की दयालुता जो है वो पसरी के समान हो गया। अजी राम जी किसी पर कृपा किए हैं क्या बता दे? राम जी अपने बाप को हुए कि हमारा आपको हो जाएंगे नाराज मत होगा, कोई राम जी का भक्त भक्त है, एक कथा की बात में कह रहा हूँ। राम जी अपने बाप को हुए, अपने पत्नी के हुए, अपने भाई के हुए, या अपने पत्नी भाई और अपने बाप के लिए तो हमारा आपको हो जाएंगे नहीं होंगे। राम जी न्यायाधीश हैं, याद रखिए क्या चीज, राम जी न्यायाधीश हैं, जैसा हमारा स्थिति होती है उसके अनुसार ही प्रावधान करते हैं। आपने सुना होगा राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम राव गए सुरधाम, ये कौन बड़ी बात है जी? एक बार हराम कहने वाला, एक बार आराम कहने वाला, एक बार विराम कहने वाला व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, और छह बार राम राम कहे अपने आप में राव गए सुरधाम, वो स्वर्ग लोक को गए अपने आप में। अरे स्वर्ग किसके लिए है? ये छीणे पूरे मृत लोकम विशंसी, ये स्वर्ग क्या है? ये स्वर्ग क्या है?
आपके द्वारा किया गया फिक्स डिपॉजिट या अपने आप में रुपया है बैंक में, जब तक रुपया खाता में है एटीएम डाल के निकालते रहिए और सुविधा लेते रहिए। और जिस दिन अपने आप में आपका होता है खाता नहीं, अब जाएंगे अपने आप किसी होटल में साहब हमको रखिए, पहले पैसा दिखाइए, खाता तो नहीं है, नहीं नहीं रखिए।